Students, today we will discuss about the next topic of our chapter. After the starting new topics, we should discuss about the previous topic. In the previous section, we should discuss about the purification system for city water supplies, that means sedimentation process, loading, filtrations, etc. And we should also discuss about the separation of constituent of the air, separating of pure substance from a mixture by using the combination of various stuff. And now we should discuss about the what are the characteristics of a physical changes. Firstly, what is physical changes? A change in which only physical property of substance get changed. That means in which only physical property change. Physical property change while its chemical composition remain unchanged. That means their chemical properties not change during this physical change. Understand students? Means क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप देखो previous topic में हमने बेटा physical changes क्या होता है हमने इसके regarding हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि physical changes सबसे पहले क्या होता है, किसी का color हो, volume हो, size हो, shape हो, magnetic property हो, ठीक है बेटा, वो change होगा। but physical change के जब ये physical change हो रहा होगा उस time क्या होगा बेटा, इसके chemical properties change नहीं होगी। और अगर वो ये टॉपिक बेटा मैंने प्रीवियस में करा दिया है तो ये अगर आपको कहीं भूल गया ये टॉपिक तो आप वहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें देखो सबसे पहले क्या, ए फिजिकल चेंज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या, फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, ठीक है बेटा, और केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया चीज सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है बेटा। फिजिकल चेंज में क्या होता है, ये टेम्पररी प्रोसेस है। टेम्पररी प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक बार हम फिजिकल चेंज कर लेते हैं दोबारा उसको हम रीगेन, मतलब कि वापस उसको फिजिकल स्टेट में ला सकते हैं। जैसे कि आपने अगर एक बार वाटर सॉलिड है मीन्स आइस में, उसको आप पानी में वाटर में सिंपल लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हो, दोबारा आप उसे कूल करके दोबारा आइस बना सकते हो, ठीक है बेटा। ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट देखो बेटा, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज से थोड़ा उल्टा है। केमिकल चेंज इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है बेटा। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी बेटा चेंज होता है, ठीक है बेटा। कॉम्पोजिशन मतलब क्या होगा कि मान लो हम कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, 70% हमने कुछ लिया, 20% एक लिया, 30% हमने तीनों को मिलाया और एक नया सब्सटेंस बनाया, ठीक है बेटा। उसमें क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, ठीक है बेटा। ड्यू टू द केमिकल चेंज द नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज एंड न्यू प्रोडक्टिव फॉर्म। मीन्स क्या होगा बेटा, देखो अगर आप ए लेते हो, बी लेते हो और नया सी बनाते हो, ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। रिएक्टेंट में आप क्या ले रहे हो, ए ले रहे हो, बी ले रहे हो, ठीक है बेटा। जब आप इसे मिक्स करोगे और एक नया प्रोडक्ट सी बनाओगे, ठीक है बेटा, तो क्या होगा कि कुछ प्रॉपर्टी ए की जाएगी, कुछ प्रॉपर्टी बी की जाएगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी, ठीक है बेटा। सी क्या होगा, ये हाइब्रिड होगा ए और बी, इसमें ए की प्रॉपर्टी भी होगी, बी की प्रॉपर्टी भी होगी। बट क्या होगा कि रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज थी ना, प्रॉपर्टीज थी, केमिकल कॉम्पोजिशन थी, वो बेटा बिल्कुल चेंज हो चुका होगा जब यह प्रोडक्ट बन चुका होगा, ठीक है बेटा, ये यहां बता रही है। जैसे कि आप देखो, जैसे कि एग्जांपल के देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आप मतलब क्या होता है कि आप जब कोयला जलाते हो, ठीक है बेटा, कोयले में आप आग लगाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, कोयला एक क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है बेटा, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब उसे जलाते हो तो बेटा क्या बनता है, ये मान लो रिएक्टेंट है, कोयला प्लस ऑक्सीजन। कोयला को अगर आपका कोयला को जला रहे हो तो किसके प्रेजेंस में जला रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब कोयला जला रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा बेटा, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट का देखो बेटा, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग है और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग है। रिएक्टेंट क्या, सॉलिड फॉर्म में है, कोयला सॉलिड फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैसेस फॉर्म में बन रहा है। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ कोयल है, कैंडल है। अब देखो आपने मिल्क से कर्ड बनाया, ठीक है बेटा, मैच स्टिक एक्सेट्रा, ठीक है बेटा, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के केमिकल चेंज के क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा ना उसी के बारे में बताया गया कि जब केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टी चेंज होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, केमिकल चेंज में क्या होता है, अब देखो एक whenever a chemical change take place, one or more new substance are formed. Chemical change में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा नया substance बनता है। मतलब क्या होता है बेटा, जब A ले रहे हो, B ले रहे हो आप, A ले रहे हो आप, ठीक है बेटा, आप A ले रहे हो, B ले रहे हो,
तो आपके क्या मतलब समझ सकते हो, सी और डी मान लो एक प्रोडक्ट बना, मतलब क्या हुआ, जब मान लो कि आपने ए और बी को मिक्स किया तो दो नए प्रोडक्ट बने, ठीक है बेटा, सी और डी, ये से बोलेंगे रिएक्टेंट, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट। अब ये देखो रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, जिन दो चीजों को मिलाकर हमने एक नया बनाया है, ठीक है बेटा, जिनको हम मिलाते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उसको मिलाने से बोलता है प्रोडक्ट। जैसे कि आप मान लो कि अब आप क्या बना रहे, चाय बना रहे हो, आपने क्या किया बेटा, पानी लिया, दूध लिया, ठीक है, पानी लिया, मिल्क लिया, शुगर लिया, ठीक है बेटा, आपने क्या किया उसे, आपने तीनों को मिक्स किया, क्या बना बेटा प्रोडक्ट में हमारे पास, क्या आता है, टी बन जाता है, ठीक है बेटा, वो क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन होता है इन सभी चीज़ों का, और उनमें इन सभी के प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है बेटा, उनमें इन सभी के प्रॉपर्टीज होते हैं। एंड अब नेक्स्ट देखोगे, ए केमिकल चेंज नॉट बी रिवर्स इजली। और एक चीज याद रखना बेटा कि जैसे फिजिकल चेंज क्या था कि अगर आप फिजिकल चेंज में क्या था कि अपने आइस को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो लिक्विड के द्वारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। अभी ऐसा नहीं, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लिया, दूध को दही में कन्वर्ट कर लिया, तो अब पॉसिबल नहीं है कि अब दोबारा दही को दूध में कन्वर्ट कर सको। ये लिखा है कि केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, मतलब एक बार चेंज हो गया तो वो वापस आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब एक चीज क्या है, ए सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड एनर्जी। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब ए बी मिलेगा या कोई दो चीज मिलकर एक नया चीज बनाएगा, या तो हीट वो अब्सॉर्ब करेगा या तो हीट वो रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये फिजिकल और केमिकल चेंज जो है बेटा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल केमिकल, ये बेटा आप खुद पढ़ लेना, अगर आप इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझसे पूछना, ठीक है, ये ईजी है इसलिए मैंने आपको खुद दिया। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन द केमिकल बेस्ड ऑन द केमिकल मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। देखो मैटर दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर्स। सब्सटेंस और सब्सटेंस जो होते हैं ना बेटा, उसे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। सब्सटेंस बेटा दो तरह के होते हैं, एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, और एलिमेंट को भी हम तीन तरह से बता सकते हैं, एक मेटल होता है बेटा, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटलॉइड्स होता है। अब मेटल और नॉन मेटल तो आपने सुना होगा बेटा, मेटलॉइड्स पहली बार शायद सुन रहे होंगे। मान लो एक चीज में मेटल की प्रॉपर्टी है, एक चीज में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा, अगर इन दोनों के बीचों में कोई चीज लाई करता है ना बेटा, इसे बोलते हैं मेटलॉइड्स, इसे बोलते हैं बेटा मेटलॉइड। इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है, थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होती है, ठीक है बेटा। जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि जो बॉर्डर पर रहते हैं उनको दोनों कंट्री की, कई कई ऐसी बॉर्डर्स भी है जिनको दोनों कंट्री की सिटीजनशिप होती है, उन पर्सन के पास जो बॉर्डर पर रहते हैं ना, उनके पास दोनों कंट्री में जाने की परमिशन होती है। तो ये क्या हुआ, मेटलॉइड्स भी वैसे होते हैं, इनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होता है। अब देखो सबसे पहले, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। आपने एक चीज सुना है ना बेटा, छोटी सी छोटी चीज जो होती है ना, हमने क्या पढ़ा था बेटा, एलिमेंट क्या होता है बेटा, सिंपलेस्ट सबसे इजी फॉर्म ऑफ मैटर होता है, कौन होता है बेटा, वो एलिमेंट। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और इसे आप फर्दर डिवाइड या तोड़ नहीं सकते हो। स्प्लिट का मतलब होता है फर्दर आप इसे तोड़ नहीं सकते हो, तोड़ के आप इसे और छोटा नहीं कर सकते, छोटा से छोटा फॉर्म होता है, ठीक है बेटा, मतलब कि आप इसे फर्दर तोड़ नहीं सकते हो, चाहे आप कोई फिजिकल या केमिकल मेथड यूज कर लो, ठीक है बेटा। इन टर्म ऑफ एटॉमिक थ्योरी, अभी एटॉमिक थ्योरी बेटा एक न्यू वर्ड है, ये आप केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर में आपको पता लगेगा कि ये एटॉमिक थ्योरी होता क्या है, ठीक है। अभी जैसे आप नेम देख लो, एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड। और एक चीज आपको इतना बताता हूँ कि जो एलिमेंट होता है ना बेटा, वो एक जैसे ही एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स तो आपको पता होगा ना क्या होता है, ठीक है बेटा, जैसे कि एटम्स क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो H है और एक H2 है बेटा, अगर H अकेला है तो वो एटम है, अगर H एक साथ है यानी दो भाई एक साथ है तो इसे बोलेंगे मॉलिक्यूल, और ये अकेला है तो इसे बोलेंगे हम एटम, ठीक है बेटा। और ये प्योर एलिमेंट कंपोज मतलब बना होता है किसका, एटम ऑफ सेम काइंड, एक जैसे एटम से मिलकर एलिमेंट बने होते हैं, ठीक है बेटा। अभी देखो जैसे मेटल के एग्जांपल ले लो, गोल्ड सिल्वर कॉपर हो गया, नॉन मेटल क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और मेटलॉइड्स क्या, उनमें थोड़ी सी मेटल प्रॉपर्टी नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी होती है, जैसे बोरोन सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट। और ये देखो एलिमेंट क्या होता है, हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, और वो कुछ एलिमेंट प्योर फॉर्म में मिलते हैं, कुछ हमें
कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है बेटा, प्योर फॉर्म मतलब प्योर, जैसे कि बेटा गोल्ड सिल्वर कॉपर हो गया, पर जो आयरन होता है बेटा जो वो मिलता है कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, उसके साथ मतलब कि और भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है, हमें उसे साफ करना पड़ता है, पानी में डाल के क्लियर करना पड़ता है, तब हमें प्योर फॉर्म आयरन मिलता है। ठीक है बेटा, और कुछ मैटर को हम बेटा लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर है केमिकल कंपाउंड क्या होता है बेटा। केमिकल कंपाउंड क्या होता है बेटा, देखो केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है, ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड हमेशा केमिकल रिएक्शन से बनेगा, जैसे मैंने बताया था ए प्लस बी करने से हमारे पास एक नया चीज सी बन रहा था, उसे बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। देखो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या होता है आपस में कंबाइन होता है, मान लो ए और बी मान लो वो कह रहे आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है बेटा, और एक नया फॉर्म में न्यू सब्सटेंस कॉल कंपाउंड, फिर वो क्या करते हैं एक नया चीज बनाते हैं। ठीक है बेटा, उसे क्या बोलते हैं कंबाइन, क्योंकि आप एक चीज नोट किया होगा ना, ए और बी मिक्स हो रहे हैं एक नया चीज बना रहे हैं। ठीक है बेटा, सी बना रहे हैं, मान लो ए बी मिक्स करो के सी बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप खुद देखो ना वो क्या बना रहे हैं केमिकल कंपाउंड। इसके लिए एक प्योर एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है बेटा, कार्बन है ऑक्सीजन है, वो क्या बना रहा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हुआ रिएक्टेंट और ये क्या प्रोडक्ट हुआ, मतलब टू और मोर चीजें कंबाइन हो रहा है एक नया चीज बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो बेटा वाटर इज द केमिकल कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखो वो वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O, मतलब दो हाइड्रोजन इसमें एक ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा, और जो आप टेबल सॉल्ट आपके घर में नमक होता है ना बेटा, उसे बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और वो देख लो वो Na और Cl दोनों का बना होता है। ठीक है, अब एक हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा वाटर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल कंपाउंड क्या होता है। अब देखो ये हमने पढ़ा होगा आपने, ये केमिकल कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन से बनता है। एक चीज सबसे ये तो हमने पढ़ा हुआ पीछे कि केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। और एक नया चीज पढ़ो कि केमिकल कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस होता है, मतलब क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है। ठीक है बेटा, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। मतलब क्या होता है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, मतलब जिससे ये मिलके बना होता है उससे अलग होता है। मैंने पीछे बताया था ना बेटा कि अगर ये ए और बी से मिलके बना हुआ है तो जो सी नया बनेगा बेटा या डी नया बनेगा वो ए और बी से इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी अलग होगी, इन दो इसकी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी काफी अलग होगी, केमिकल कॉम्बिनेशन भी इनकी अलग अलग होगी। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट ए सर्टन अमाउंट ऑफ, मैंने ये हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा या तो वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा या तो वो हीट को क्या करेगा रिलीज करेगा। ठीक है बेटा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कार्बन लिया ऑक्सीजन लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ये जब रिएक्शन होता है ये कहता है हीट को रिलीज करता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर आज यहीं फिनिश होता है। अब इन नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।